हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल द गीकी मॉम में। गाइस, एक समय था जबकि हम वो कैसेट्स वाले गेम्स हम खेला जो करते थे, जैसे कि कॉन्ट्रा हो गया, फिर मारियो जो हो गया। आप लोगों को पता ही, वो जो कॉन्ट्रा की इतनी बड़ी बड़ी सीरीज आती थी, हम लोग डालते थे टीवी में, सारी चीज़ों को सेटअप करके अपना पूरा दिन भर खेला हम करते थे। ठीक है, उसमें वन प्लेयर टू प्लेयर्स के भी ऑप्शन थे, तो आपको याद होगा, है ना। तो फिर गाइस, ऐसा ही एक फ़ोन जिसमें एक फ़ोन में 400 गेम हैं, और ना ही सिर्फ ये बल्कि वो फ़ोन भी है और बहुत अलग अलग उसमें फीचर्स हैं। तो मैंने भाई एक नई सीरीज स्टार्ट करने की सोची है, जहाँ पे हम यूनिक गैजेट्स को हम यहाँ पे परचेज करेंगे और लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि वो एक्चुअल में कैसे हैं, बिकॉज वो अवेलेबल तो काफ़ी जगह होते हैं, लेकिन बेस्ट प्राइसिंग कहाँ पे अवेलेबल है ये भी हम आपको हम बताएंगे, और साथ ही साथ में वो गैजेट एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसी में से एक अजब गजब सा गैजेट जो हमने इस बार यहाँ पे लेकर के आए हैं, वो है द आईकॉल K19 गेमिंग स्मार्टफोन। जी हाँ, अब आज के समय में तो अलग अलग गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं, काफी एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन दिस फोन इज रियली वेरी चीप। कितना चीप हो सकता है आपके जो हिसाब से, कितना कितना कितना? तो गाइस, मैं इसकी प्राइसिंग बता दूं, जो इसकी एमआरपी है यहाँ पे मेंशन है 2999, लेकिन एक्चुअल में ये मुझे 2100 रुपए के आसपास में पड़ा है। ठीक, तो कहाँ से मुझे पड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले देख तो लें कि ये फोन एक्चुअल में है कैसा। तो चलिए इसको करते हैं ओपन। तो फिर गाइस, यहाँ पे ये सील लगी, हमने इसको यहाँ से ओपन किया और ये डब्बे को इधर, इसको ओपन करने से पहले जरा हम देख ले पीछे क्या क्या। देखिए, एफएम रेडियो, म्यूजिक, 22.8 इंच की स्क्रीन, 3.5 mm जैक, ऑडियो वीडियो प्लेयर, ब्लूटूथ, एलईडी टॉर्च, मल्टी लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, डुअल सिम एंड कैमरा विथ वीडियो रिकॉर्डर। तो भाई, मतलब कि डुअल सिम भी है, तो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़, तो मज़ेदार होगा। तो ये देखिए, हमने डब्बा खोला, डब्बे के अंदर हमें मिल जाता है एक छोटू सा फ़ोन, लेकिन उससे पहले जरा हम देख लेते हैं इस डब्बे में और क्या है। तो इस डब्बे में ये एक चार्जर आता है, ठीक है, चार्जर आता है, उसके साथ में ये बैटरी आती है। ये बैटरी तो भाई, ये आपको याद होगा कि पहले के समय में ऐसी बैटरीज आती थी जिसको हमें फ़ोन में पीछे इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब के समय में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और वो निकलती भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, यहाँ पे आप देखिए फ़ोन, तो फ़ोन के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, गेम फोन फंक्शन 400 in 1 गेम। और ये फ़ोन आप देख जो सकते हैं, एकदम जॉयस्टिक की तरह यहाँ पे ना मालूम दे रहा है। कॉलिंग के भी ऑप्शन है, डिस्कनेक्ट करने के भी ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है ये कैसे वर्क करता है, और सिम कौन सा चलेगा कौन सा नहीं ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं सिम भी और साथ ही साथ में बैटरी भी। तो पीछे से गाइस, हमें यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ता है, और हम इसको ओपन करके पूरा इंस्टॉल करके आपके पास आते हैं, ठीक। तो फिर गाइस, ये हो चुका है तैयार। देखिए, हम यहाँ पे इस फोन कर रहे हैं ओपन, और ओपन करने के बाद कैसी म्यूजिक आती है जरा सुनिएगा आप, लाउड आई। इसका मजा है भाई, गांव में लेके जाइए, आराम से बजाइए, पूरे गांव को सुनाइए। स्पीकर भी काफी दमदार मालूम दे रहा है, हालांकि क्वालिटी कैसी है ये तो हम देखेंगे बाद में कार्ड, लेकिन इसमें सिम भी डाला जा सकता है। तो चलिए, हमने सिम भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है अब, और अब देखिए यहाँ पे हम जरा किसी को कॉल लगा के देखते, बिकॉज सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए था गेम क्या है, लेकिन जरा देखें कॉल वॉल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एयरटेल का सिम लगाया है, जरा कॉल लगाते हैं, तो जरा सुनिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो फिर गाइस, यहाँ पे हमने कॉल भी लगा लिया, तो देख लिया आपने कि कैसा था। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक यूनिक फीचर ये है गाइस, कि इस फोन में हमें गेमिंग मोड में जाने के लिए साइड में जो ये गेम वाला बटन है, इसको हम दबाएंगे तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हमने दबाया, यहाँ पे लिख करके आ गया है स्विच टू द गेम, और यहाँ ओके का बटन हमने यहाँ पे दबाया। ओके का बटन गाइस, यहाँ दबाते ही, ओके का बटन दबाते ही, देखिए यहाँ पे आवाज़ बहुत तेज हो रही थी इसलिए मैंने आवाज़ को कर दिया बंद। ओके का बटन दबाते ही यहाँ पे देख सकते हैं सुपर मारियो, मारियो 14, सुपर मारियो ब्रोस, और देखिए 400 गेम यार, 400 गेम। कॉन्ट्रा के भी सारे गेम हैं यहाँ, कॉन्ट्रा 4, कॉन्ट्रा 7, कॉन्ट्रा 24:1, और भी बहुत बहुत सारे गेम्स हैं गाइस यहाँ, बॉम्बर मैन और पता नहीं क्या क्या यार, ज़बरदस्त। वो पुराने दिन दोबारा से याद आ गए, वो काश वो पुराने दिन कोई लौटा दे। तो भाई, मज़ेदार होने वाला है, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है। यहाँ पे पैकमैन 3 भी है, आप लोगों में से कितने लोगों ने पैकमैन 3 खेला है जरूर मुझे बताएं। बॉम्बर मैन कितने लोगों ने खेला है, कॉन्ट्रा तो काफ़ी सारे लोगों ने खेला होगा, नहीं आप में से किसने भाई कॉन्ट्रा नहीं खेला है कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। भाई मैंने तो खेला है, सुपर मारियो तो सभी लोगों ने खेला ही होगा, आजकल तो एंड्रॉइड में भी चलता है। तो देखिए भाई, यहाँ पे अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले सुपर मारियो।
ठीक है, सुपर मारियो ब्रोस। तो भाई यहाँ पे हमें ये प्ले वाला बटन दबाना पड़ेगा। प्ले वाले बटन में सिंगल प्लेयर गेम या डबल प्लेयर गेम, सिंगल प्लेयर गेम ही खेलना है। ठीक है, तो देखिएगा देखिए गाइस, यहाँ पे हम जब 5 वाला बटन दबाएंगे तो ये जंप करेगा और इससे आगे देखते हैं। आवाज थोड़ी सी गाइज यहाँ पे फटी हुई है, लेकिन कुछ और भी फीचर्स हैं जो मुझे आपको दिखाने हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कैमरे की बात कर लें तो कैमरे की क्वालिटी आप देखिए कैसी है। यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है। मुझे लगता है कि ये VGA कैमरा है। इन्होंने कैमरा मेंशन नहीं किया है बॉक्स पे कि कौन सा कैमरा है, बस इन्होंने बता दिया है कि कैमरा है। ठीक, तो 2,000 रुपये के हिसाब से आपको काफी बढ़िया चीज मिल जा रही है, क्योंकि 2,000 रुपीज में आजकल नॉर्मली केवल फोन करने के लिए ही चीजें आती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इसका प्लास्टिक है ना, ये कोई प्रीमियम लुक नहीं देता जैसे नॉर्मल प्लास्टिक वाले फोन आते हैं, या फिर जो प्लास्टिक वाले गेमिंग चीजें आती है ना, वैसा ही है। कोई बहुत प्रीमियम बिल्ड नहीं है इसका, लेकिन ये पहले के समय के, अगर ये आज से तकरीबन जब हम बच्चे थे तब आया होता तो ये बहुत ज्यादा फेवरेट डिवाइस होता, और इसकी प्राइस भी अगर हाई होती तो काफी सारे लोग पेमेंट कर भी सकते थे, कोई इशू नहीं था। मजेदार चीज लगी यार मुझे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज कैसी लगी। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, और इसके गेम्स और इसकी जो साउंड है ना वो भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो भाई यही चीज़ है। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये फोन परचेज करना है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर परचेज कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार गेम है, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो गाइस दिस वाज इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।